अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय किचन, मुज़ना इन किचन। और मैं बहुत देर बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और जो बीच में वीडियोस अपलोड नहीं की उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जल्दी से 2 मिनट में बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हलीम की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेशनल वालों का ये दाल मिक्स मसाला ले लेंगे। आप एक भरा डब्बा ले लें हलीम वाला, देन इसको निकाल लें किसी भी डब्बे में। और अब आपने इसको अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए आपने इसको ना डिप करके रख देना है। अगर आप प्रेशर में नहीं बना रहे तो आप इसको 2 घंटे के लिए डिप करके रख दें। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन आप 1 लीटर पानी ऐड कर लें, ठीक है। और अब आपने इसको प्रेशर लगा देना है तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए। यहाँ पे ये सामान दालें वगैरह तो गल चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी इसको ज़रा और मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उससे ये होगा कि हलीम का जो एक परफेक्ट टेक्सचर होता है ना, वो आ जाता है। तो मैं इसको ब्लेंड भी करूँगी, आप चाहें तो इसको मत मैश करें। यहाँ पे अब आपने 3 प्याज ऐड कर देने हैं, ऑयल ऐड कर देना है आपने इसके अंदर। और अब आपने इसके अंदर क्या करना है, अदरक लहसुन की पेस्ट का 1-1 चम्मच, और साथ ही थोड़ा सा पानी, और 400 ग्राम बोनलेस चिकन और हलीम मसाले का नेशनल वालों का पैकेट आपने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है, भूनना है, और इतना भूनना है कि चिकन इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। रेशे हो जाए चिकन के अच्छे से, क्योंकि आपको पता है हलीम के अंदर पीसेस नहीं होते हैं, रेशादार हलीम होती है। तो यहाँ पे जी अब मैं दालों का जो ये मिक्सचर है इसको मैं एक बार फिर से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा अच्छी सी स्मूथली फॉर्म में आ जाए, बाजार जैसी हमारी हलीम तैयार हो। अब आप इसके अंदर 2 ग्लास पानी और ऐड कर दें, ठीक है। अब आपने इसको पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए, हल्का ढक के। और यहाँ देखें ये हलीम रेडी है, इसका टेक्स्चर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हलीम बनती है, और बहुत ही जल्दी, मैक्सिमम शायद इसको मुश्किल से 1 घंटा लगता है, यानी कि प्रेशर वगैरह लगाया बाद में काम किया ना, और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इस तरह से आप इसको बाउल में निकाल लें। अब गार्निशिंग भी करनी है, प्याज फ्राई कर लें, और जो प्याज का ऑयल होगा ना वो हलीम के पतीले के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो अनियन होगी इसकी हम ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे, इसके ऊपर लेमन डालें, इसके अंदर आप चाट मसाला डालें, हरी मिर्ची, अदरक, जौन सी गार्निशिंग आपको पसंद हो, और देन सर्व कर दें। बहुत ही मज़ेदार जल्दी से रेसिपी, जल्दी से ना हलीम की ये जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप वेरी इजीली बहुत जल्दी बना लेते हो। कोई इतनी मुश्किल बड़ी बात नहीं है हलीम बनाना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी डेली की अपडेट्स मिलती रहें, और इंशाल्लाह मैं डेली वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों प्यारों के साथ शेयर करें, और अल्लाह हाफ़िज़।